वीआईपी पार्टी के कार्यालय में मुकेश सहनी के नेतृत्व में महागठबंधन का संवाददाता सम्मेलन बुलाया गया। एनआरसी और कैप के विरोध में हम आपके गांव में महागठबंधन के तमाम घटक दल के नेताओं का कहना था कि एनआरसी और संविधान का गला घोटने का काम कर रही है। इसमें सीधी बात है, अभी देश जल रहा है तो कैसे इसका समाधान हो, इशू यह है। बाकी यह इशू नहीं है कि कौन समीकरण कहां क्या बन रहा है। मेरे उसका सवाल अभी अभी जिस कॉज के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, इस कॉज से आपके सवाल का कोई संबंध नहीं है। ये महागठबंधन का नया स्वरूप है क्या? नहीं, देखिए फिर हम कहेंगे कि कोई राजनीति के रूप में इसका विश्लेषण करने की जरूरत नहीं है। अभी जो देश के सामने सबसे बड़ा सवाल है उसमें सभी लोग लड़ रहे हैं। आरजेडी नहीं लड़ रहा, ऐसा नहीं, आरजेडी भी लड़ रहा है, सब लोग लड़ रहे हैं। तो सब लोग लड़ रहे हैं तो फिर अलग कहाँ कोई है? हम लोग भी इसमें शामिल होंगे ना, शामिल हम लोग नहीं होते तो सवाल होता, शामिल तो हम लोग भी उसमें शामिल हम लोग भी हैं। चलिए और कोई सवाल। बांग्लादेश ये सब इस्लामिक राष्ट्र है तो इनका मतलब कहने का है, आगे बोलते नहीं है कि हिंदुस्तान भी एक हिंदू राष्ट्र हो जाए। और ऐसा करके जो हमारी मूल अवधारणा है संविधान का, जिसमें हर जात के लोग, हर धर्म के लोग, हर वेशभूषा के लोग, हर भाषा बोलने वाले लोग, हर तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम अपनाने वाले लोग सब हिंदुस्तान के नागरिक हैं और हिंदुस्तान उन्हीं से बना है। स्वतंत्रता की लड़ाई में नहीं पहचान थी कि सिर्फ हिंदू लड़े हैं, सब कोई लड़े हैं और आज आज़ादी मिली है। आज इन दोनों कानून के माध्यम से जो देश में एक तरह से बंटवारा का हिसाब लगा रहे हैं उससे देश पर आसन खतरा है। हम कहा करते हैं, आप लोग बुद्धिजीवी हैं, कि रूस में कुछ इसी प्रकार की बात हुई थी और रूस उभरता हुआ संसार का एक अर्थव्यवस्था बन रहा था तकनीकी दृष्टिकोण से भी, उसको अमेरिका ने तखर पखर कर दिया, पांच भागों में बांट दिया। आज हिंदुस्तान हर तरह से आगे बढ़ने की स्थिति में है और उसको तोड़ने की साजिश चल रही है और उस कड़ी में ये जो एनआरसी है और सिटीजन नागरिकता संशोधन कानून है वो इंस्ट्रूमेंटल हो जाएगा। इसके माध्यम से हिंदुस्तान को तोड़ा जा सकता है, ये साजिश चल रही है। दूसरी बात हम आपको स्पष्ट करना चाहते हैं कि बहुत लोगों के दिमाग में बात होगी कि ये मुसलमान अल्पसंख्यक परिवार के लोग हैं, उनके खिलाफ ये बात है। तो उनके खिलाफ बात तो है ही है, लेकिन ठीक ही कहा हमारे उपेंद्र बाबू ने कि वैसे लोग जो शेड्यूल कास्ट के हैं, शेड्यूल ट्राइब के हैं, बहुत गरीब तबके के लोग हैं, शहर में झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं, गांव में नदी किनारे रह रहे हैं, रोड किनारे रह रहे हैं, श्मशान घाट के आसपास कहीं रह रहे हैं, तालाब के भीड़ पर रह रहे हैं, पचासों साल से, सैकड़ों साल से, आज उनको हटाने की बात आ रही है। और वो हट जाएंगे तो आज भी उनका कोई भैरे बाबा इस आधार पर उन पर अत्याचार करने की बात आएगी। और हमको मालूम है कि 2007 में एक सर्वे कराया गया था जिसमें 6 करोड़ वैसे लोग हैं जो एनआरसी में नहीं है, और 2007 और आज में बहुत फर्क है। इन लोगों की साजिश है कि 130 या 35 करोड़ जनसंख्या में अगर 30 40 करोड़ लोग वैसे लोग हैं जो गरीब तबके के लोग हैं और कहीं ना कहीं एनडीए के खिलाफ हैं, खास करके भाजपा के खिलाफ हैं, उन लोगों को भगोड़ा साबित कर दो, उन लोगों को देश निकाला कर दो और देश में एक प्रकार की सरकार लावे और राज करे। और आगे चल करके इनका मकसद है, जिसके लिए राजनाथ बाबू ने कहा भी है कि अब हम लोगों का अगला पड़ाव क्या है तो है कॉमन सिविल कोड। ये भी बहुत खतरनाक स्थिति हम लोगों के सामने आने वाली है। हम अनेक धर्म के हैं, अनेक संस्कृति के हैं, अनेक भाषा बोलते हैं और उसको एक डंडा से हांकने की बात होगी तो हम समझते हैं कि इससे देश टूट के कागार पर आ जाएगा।
यही सब सारी बात है जिसमें न सिर्फ मुसलमान बल्कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स अति पिछड़ा और जो भी गरीब लोग हैं सबके सामने अपना अस्तित्व का मामला आ गया है और उनके अस्तित्व के साथ साथ देश का अस्तित्व का मामला आया है। इसलिए हम लोगों ने आज तय किया कि आज ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 19 तारीख को जो हमारे वाम दल के लोग बंद का नारा दिए हैं हम लोग पुरजोर उनका समर्थन करेंगे और फिर 21 तारीख को जो राजद के द्वारा नारा दिया गया है उसको भी हर हालत में हम लोग समर्थन करेंगे और ये एक सतत प्रक्रिया है। इसमें कहीं नहीं कहना जाना चाहिए कि महागठबंधन का है या नहीं है, ये समूचा देश का एक आंदोलन बन गया है और आंदोलन सतत प्रक्रिया है। उसके तहत 19 को बंद का आह्वान है साथ देंगे, 20 को महाप्रति मशाल जुलूस निकलेगा उसमें भी हम लोग सब साथ देंगे और 21 को राजद द्वारा बंद है उसमें भी साथ देंगे। इसीलिए हम लोग एकजुट करके और महागठबंधन बिहार में एकजुट है, एक है और एक प्लेटफॉर्म पर आगे काम करके भाजपा को हर तरह से शिकस्त देने की सारी तैयारी हम लोग की है। इसी उद्देश्य से आज प्रेस के माध्यम से आप लोगों से मिल रहे हैं। बहुत बहुत न केवल यहाँ बल्कि जब ये बिल लोकसभा में लाया गया वहाँ भी कांग्रेस पार्टी ने पुरजोर विरोध किया। राज्यसभा में जब इस पर चर्चा हो रही थी तब भी हम लोगों का पार्टी का स्टैंड साफ था और वहाँ अगर जैसा पहले कहा करते थे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कि वो इसका समर्थन नहीं करेंगे, अगर वो वोट में साथ देते कांग्रेस पार्टी का बीजेपी का लोग साथ देता तो राज्यसभा में ही ये बिल गिर जाता। 105 विपक्ष की संख्या थी और 125 पास कराने में भारतीय जनता पार्टी के मित्र दलों की संख्या थी, इन लोगों ने वोट करके। आज जो स्थिति बनी है न केवल देश की जनता आंदोलित है बल्कि उद्वेलित है और देश के लगभग 17-18 विश्वविद्यालयों में जो आज विस्फोटक स्थिति बनी हुई है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जिम्मेवार हैं। हम लोग विपक्ष कि सभी पार्टियों का खास करके बिहार में जो महागठबंधन अच्छा होता कि लेफ्ट फ्रंट और राष्ट्रीय जनता दल का एक ही दिन बंद होता तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन फिर भी मतैक के नहीं हो पाने के कारण दो दिन है तो कांग्रेस पार्टी लेफ्ट के बंद का भी समर्थन करती है और राष्ट्रीय जनता दल तो हम लोग के महागठबंधन की पार्टी है तो निश्चित रूप से उसका भी हम लोग समर्थन करते हैं। उस बंद में भी कांग्रेस पार्टी शामिल होगी और लेफ्ट के बंद में भी कांग्रेस पार्टी अपने को शामिल करेगी। कल भी आपको आप सभी को जानकारी है कि सोनिया जी के नेतृत्व में विपक्ष की सभी पार्टियां राष्ट्रपति से मिलके भी और इस बिल को वापस लेने के लिए आह्वान किया था। हम लोग चाहते हैं कि देश के संविधान की रक्षा के लिए देश के लोगों के भले के लिए ये बिल वापस हो, नहीं तो जो इस तरह का वातावरण देश में बन रहा है उससे निश्चित रूप से 74 आंदोलन से भी ज्यादा बड़ा आंदोलन अगर ये बिल को वापस नहीं लिया जाएगा तो ये विस्फोटक स्थिति बनने वाली है और उसके लिए प्रधानमंत्री जी तो जिम्मेवार है ही, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो जिम्मेवार है ही, नीतीश कुमार जी भी जो अपने को सेकुलर कहते थे, धर्मनिरपेक्षता की दुहाई देते और नैतिकता की बात करते थे, उनका भी अपना चेहरा और चरित्र दोनों उजागर हुआ है। हम लोग घोर इसकी निंदा करते हैं और लेफ्ट के बंद को और राष्ट्रीय जनता दल द्वारा आहूत बंद को हम लोग समर्थन करते हैं और जैसा उपेंद्र बाबू ने कहा कि एक दिन पहले 20 तारीख को हम लोग सभी जिलों में मशाल जुलूस निकालने का काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी उसका समर्थन करती है और उसमें सक्रिय भागीदारी में है। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं जिया अभिनव प्रोडक्ट्स, प्लैटिनम अगरबत्ती,
बाबा लहठी भंडार इस्लामपुर रोड मुजफ्फरपुर, चंद्रान आईएएस एकेडमी मेकिंग योर करियर शाइन, हल्दीराम खुचियावाला चॉइस ऑफ इंडिया, लेडी प्राउड जियो जिंदगी बेहिचक उन दिनों में टेंशन फ्री, नॉर्थ पॉइंट चिल्ड्रन स्कूल वी वर्क हार्ड फॉर योर सक्सेस, रामा हार्डवेयर जवाहरलाल रोड मुजफ्फरपुर, सेंट जेवियर्स स्कूल, नेशनल इन स्पिरिट इंटरनेशनल इन स्टैंडर्ड्स, वैशाली इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एंड रूरल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशनल एरिया नारायणपुर अनंत रोड मुजफ्फरपुर, VLCC गोला रोड मुजफ्फरपुर, हर घर की पसंद ग्रीन इंडिया, आपकी संतुष्टि मेरी पहचान, गोदरेज अप्लायंसेस सोच के बनाया है, बिरयानी दरबार वर्मा कॉम्प्लेक्स मिठनपुरा मुजफ्फरपुर, प्लैटिनम चिल्ड्रन स्कूल सेल्फ बिलीव बेस्ट बिलीव, जावेद हबीब हेयर स्टूडियो यूनिसेक्स सलोन मुजफ्फरपुर, नेशनल मेडिकल कॉलेज वीरगंज नेपाल। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।